top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मुख्य चुनाव आयोग से दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में हम मिले थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुछ आपत्तियां जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी कर रहे हैं। गत दिनों के अंदर हमने लगभग 4 कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को दी है और इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से केजरीवाल साहब निर्वाचन आयोग की अवहेलना कर रहे हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, कानून उनकी नजर में कुछ भी नहीं है, निर्वाचन आयोग की जो हिदायतें हैं उनको कुछ मानते नहीं, जिस प्रकार की कड़ी आपत्ति चुनाव आयोग ने जो पहला नोटिस हमने उनको दिया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे पार्टी अध्यक्ष के ऊपर, उनको कड़ी चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का एक अराजकता का व्यवहार दिल्ली के मीडिया के अंदर, दिल्ली की जनता के अंदर एक प्रकार का भ्रम, सफेद झूठ बोल करके उनकी जो आदत है वो कर रहे हैं, उसकी कड़ी आपत्ति और एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में हमने समय समय पर दी है। हमने उनको कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सभी मीडिया के ऊपर रोक लगाई हुई है और अगर ऐसे में कोई अपना ओपिनियन पोल निकालता है तो ये वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। अभी आपने देखा होगा कि केजरीवाल इस तरह की चीजों की और कोड ऑफ कंडक्ट की कोई परवाह नहीं करते। जिस तरह दिल्ली के ऑटोज के ऊपर उन्होंने एक ओपिनियन पोल लगाया है, जिस ओपिनियन पोल में लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश की गई है कि हमारा सर्वे ये कह रहा है, ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटों से चुनाव में जीत रही है, हमने इसकी कंप्लेन की है। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी चुनावी सभाओं में दिल्ली के वोटर, दिल्ली के मतदाताओं का अपमान लगातार कर रहे हैं और अपमान तो इसलिए भी है कि इस अपमान के अंदर वो दिल्ली के मतदाताओं को ये कह रहे हैं कि आप पैसा दीजिए भारतीय जनता पार्टी से, आप वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को। ये लगातार पहले भी उन्होंने कहा, चेतावनी के बाद भी उन्होंने किया और अभी भी उनकी सभाओं में मानो ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो आम मतदाता है वो पैसे के आधार पर वोट देता है।